बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू हसनैन का किचन। उम्मीद है आप सब अच्छे हाल में होंगे और अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और बीमारियों और मुसीबतों से बचाए, आमीन। और आप लोगों के दस्तरखान को हमेशा सजाए रखे और आप लोगों के रिस्क में बरकत अता फरमाए। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ, उसको स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, ताकि आप लोगों को इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस मिलती रहें। तो लीजिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 1 लीटर जो है पानी लिया है पैन में, और इसको मैंने अच्छी तरह बॉयल कर लिया है। और इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल और 1 टीस्पून मैंने साल्ट डाला है। और मैंने किसी भी अच्छे ब्रांड का मैंने ये पास्ता लिया है, और ये मैक्रोनी पास्ता है, और मैंने इसको 1/2 पैकेट लिया है। और इसको मैंने 8 मिनट्स के लिए जो है वो बॉयल कर लिया है। 8 मिनट से ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि उससे ज़्यादा करें तो फिर ये स्टिकी हो जाता है। और उसके बाद मैंने इसको ठंडे पानी में से वॉश कर लिया और स्ट्रेन कर लिया, और इसको मैंने जो है 1 टेबल स्पून ऑयल डाल के रख लिया ताकि स्टिकी ना हो। वेजिटेबल्स में कैप्सिकम, टोमेटो, अनियन और मैंने चीज़ लिया है, ये चेडर और मोज़रेला दोनों मिक्स हैं। ये मैंने 1 टीस्पून साल्ट लिया है, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स लिए हैं, 1/2 टीस्पून साल्ट लिया है और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर लिया है। अब जो है मैंने ये जो पास्ता जो बॉयल किया था, देखो ये खड़ा खड़ा है, ये स्टिकी नहीं है। इसको मैंने जो है पैन में अपनी जो सर्विंग डिश है उसमें डाला मैंने, और इसमें मैंने 1 टीस्पून सिरका डाला है यानी विनीगर डाला है, 1 टेबल स्पून मैंने सोया सॉस डाला है। देखिए कितनी जल्दी से बन रहा है, कोई स्टूडेंट है कोई है जल्दी जल्दी बना सकता है। सिर्फ 1 टीस्पून मैंने चिली सॉस डाला है, और सिर्फ जो है इसमें पास्ता बॉईल करना है। 10 मिनट से ज़्यादा इसको बनाने में लगता नहीं है। ब्लैक पेपर डाली है मैंने सबसे पहले, साल्ट डालना है। साल्ट आप लोग कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। इसके बाद चाट मसाला डाला है। चाट मसाला भी अगर स्पाइसी करते हैं आप लोग खाते हैं तो आप लोग और डाल सकते हैं। रेड चिली फ्लेक्स डाले, इनसे बड़ा स्पाइसी सा एक टच आता है। अब मैं चीज़ डालूँगी, मेरे पास कुछ चेडर था कुछ मोज़रेला था। आप लोग जो है मोज़रेला ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि मोज़रेला से थोड़े से वो रेशे टाइप बनते हैं तो ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो चेडर मैंने इसलिए डाला है कि चेडर से टेस्ट और डेवलप होता है। तो आप दोनों मिक्स करें, अगर आप ज़्यादा चीज़ी खाते हैं तो ज़्यादा चीज़ ऐड कर दें। मैंने कैप्सिकम डाली है, अब टोमेटो डाला है। आप लोग इसको लंच में खा सकते हैं, आराम से आपका लंच बन जाएगा। अब मैंने अनियन डाल दिया है, ये 1/2 अनियन है, और इसको मैंने बारीक बारीक काट के डाल दिया है। अब एंड के ऊपर इसको मैं जो ऊपर से जो है मैं चाट मसाला थोड़ा सा इसके ऊपर छिड़कूंगी, और इसके अलावा मैंने ये केचप डाला है। केचप के बगैर तो ये जो है इनकम्प्लीट है। और मज़ीद थोड़ा सा जो है आप लोगों ने ऊपर से जो है चीज़ जो है इसमें ऐड कर देना है, और ये आप लोग के रही रेड चिली फ्लेक्स। इससे गार्निशिंग भी अच्छी आती है और इससे टेस्ट भी डेवलप होता है। आप स्लाइसेस भी चीज़ के यूज़ कर सकते हैं। अब मैं 2 मिनट्स के लिए इसको मैं रखूँगी माइक्रोवेव में। देखिए हमारा चीज़ जो है वो मेल्ट हो गया है। अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो ज़्यादा नज़र आएगा आपको चीज़। तो गर्मा गर्म हमारा जो पास्ता है वो रेडी है, हम डिश आउट कर लेते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को ये जो क्विक इजी जो है वो पास्ता जो है वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसकी रेसिपी आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है, बहुत जल्दी जल्दी बन जाता है। इसमें तमाम वेजिटेबल्स हैं, पास्ता है, इसलिए जो है ये आप जो है पूरा मील बन जाता है ये। तो इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। लेकिन मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज़।